Press the subscribe button and hit the bell icon for more Bollywood updates. IPL 2019 का पहला सुपर ओवर, जी हाँ दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहा, जो कि रहा दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो कि काफी बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके गई, लेकिन उसने भी कम ही रन बना पाए। दोस्तों आपको बता दें कि KKR ने 185 का टारगेट दिया था, जो कि काफी ज्यादा कम माना जा रहा था, लेकिन फिर भी आपको बता दें कि इस पारी के अंदर सिर्फ और सिर्फ रसल ही काम आए। जी हाँ दोस्तों, रसल ने 28 बॉलों के अंदर 62 रन्स बनाए, जिनमें से 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे, तब जाकर KKR 185 तक पहुंच पाई। और वहीं पर जब सामने पहुंचे दिल्ली कैपिटल्स, तो पृथ्वी शॉ ने काफी अच्छी पारी खेलते हुए 99 रन बनाए, जो कि 55 बॉलों पर थे। और वहीं पर श्रेयस अय्यर ने भी 43 की पारी खेली 32 गेंदों में। आपको बता दें दोस्तों कि यहां पर भी मैच सिर्फ और सिर्फ टाई हुआ, वो भी 185 को चेज नहीं कर पाए। आपको बता दें दोस्तों कि फिर हुआ सुपर ओवर, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स ने 10 रन बनाए। पहले सुपर ओवर के अंदर जब दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने उतरी, तो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत के साथ उतरी और उन्होंने मिलकर 10 रन ही बना पाए। और आपको बता दें दोस्तों कि वहां पर KKR रसल के साथ में उतरी, तो आपको ये भी बता दें कि बॉलिंग पर थे रबाडा, जो कि काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए रसल को पहले ही 2 गेंदों में रोक गए। दोस्तों आपको बता दें कि रसल जो कि काफी अच्छे हिटर माने जाते हैं, वो भी इनके सामने नहीं टिक पाए और ये काफी अच्छा ओवर साबित हुआ और जीत दिल्ली की झोली में आकर गिर पड़ी। आपको बता दें दोस्तों कि रबाडा ने पहली बॉल पर रसल से एक चौका खाया, जो कि काफी ज्यादा दमदार था, फिर दूसरी बॉल पर विकेट, फिर 0, फिर 1-1-1। जी हाँ दोस्तों, और यहीं पर उन्होंने इसे रोक दिया। दोस्तों ये काफी ज्यादा कमाल का सुपर ओवर था और ये पहला सुपर ओवर था। आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको मिले खेल जगत की हर खबर सबसे पहले। Press the subscribe button and hit the bell icon.